आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसकी डायग्राम हमें गिवन है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड डी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो गिवन में क्या आएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। टू प्रूफ हम बुक में से देख सकते हैं। बुक साथ के साथ खोल के रखना बच्चों, ताकि ध्यान रहे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये चीजें हमने प्रूफ करनी है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम यही ट्रायंगल्स उठाएंगे, ए बी डी एंड बी ए सी। फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करना है उसे प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी। अब इसमें ध्यान से देखो बच्चों, ए बी इसमें भी है और बी ए इसमें भी है। इसका मतलब जो दो अल्फाबेट्स कॉमन होते हैं ना दोनों में, वो कॉमन साइड बन जाती है। अब देखो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, ए बी डी, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल होगी और बी ए सी ये वाली ट्रायंगल होगी। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इस ट्रायंगल में देखा जाए ए डी और इस ट्रायंगल में देखा जाए बी ए, तो हमें क्या गिवन है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। सेकेंड एंगल ये वाला इसके बराबर है, ये आ जाएगा एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज अगर ध्यान से देखें, ए बी लाइन इस साइड इस ट्रायंगल में भी है और ए बी लाइन इस ट्रायंगल में भी है। ए बी लाइन दोनों ट्रायंगल में, तो हम लिख देंगे ए बी साइड इक्वल्स टू ए बी साइड। ये क्या है दोनों, ये दोनों गिवन है, ये क्या है कॉमन। therefore ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। रीजन क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, बी डी इज इक्वल टू ए सी। नाउ यू कैन सी दैट द बी डी लाइन देखो, बी डी लाइन इस ट्रायंगल का हिस्सा है एंड ए सी लाइन इस ट्रायंगल का हिस्सा है। ए सी बी डी, बी डी देखा जाए इस ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी देखा जाए इस ट्रायंगल में आ रहा है। ये वाली लाइन इस ट्रायंगल का हिस्सा है और ये वाली लाइन इस ट्रायंगल का हिस्सा है, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख देंगे सो बी डी इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी। थर्ड चीज हमने क्या प्रूव करनी है, एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला इतना एंगल, सिर्फ ए बी डी ये एंगल, ये एंगल इस ट्रायंगल में। सेकंड कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला
एंगल, इतना एंगल सिर्फ, ये एंगल इस ट्रायंगल में आएगा, तो इसका तो दोनों ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ गया, ये वाला एंगल है बच्चों जो इस ट्रायंगल में आ गया, और ये वाला एंगल किस ट्रायंगल में आ गया, इस ट्रायंगल में आ गया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो बाइसिपिसिटी ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। याद है हमने किया था, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जितने भी पार्ट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, आर इक्वल मींस ये दोनों हमें बराबर गिवन है, इक्वल है और परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट एबी, एबी लाइन सेगमेंट के। सो हम बुक पास में ओपन करके रख लिया ना ताकि पता लग जाए, और प्रूफ क्या करना है, सीडी बाइसेक्ट, जो सीडी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है किसे, एबी लाइन को। तो हमने प्रूफ करना है ओबी इक्वल्स टू ओए, जो सर्कल में रखा है बच्चों वो प्रूफ करना है हमने कि OB लाइन OA के बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे, गिवन बच्चों अपने आप लिख लेना, टू प्रूफ भी अपने आप लिख लेना बुक में से, मैं प्रूफ समझा रहा हूं। एक ये वाले ट्रायंगल उठाते हैं और एक ये वाले ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल OA OAD एंड O से शुरू इधर करेंगे, यहां O के बाद परपेंडिकुलर वाला एंगल था, यहां भी O के बाद परपेंडिकुलर वाला एंगल, और बचा हुआ C। तो सबसे पहले हमारे पास है AD इक्वल्स टू BC जो गिवन है। सेकंड चीज, इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 मान लो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री, ये क्या है गिवन। सेकंड चीज, सेकंड देखो हमें ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल गिवन है, 3 और 4 दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो एंगल 3 और 4 आपस में बराबर होंगे, रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो क्या लगा, एंगल यहां से शुरू करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट वाले एंगल से, एंगल उसके बाद 90 डिग्री, फिर साइड मिलगी साथ के साथ, तो एंगल एंगल साइड, वैसे नीचे सेम पैटर्न बनना चाहिए, वर्टिकली से ऊपर शुरू किया, यहां भी वर्टिकली से शुरू करेंगे, यहां वर्टिकली के बाद क्या मिला 90 डिग्री, यहां भी वर्टिकली के बाद क्या मिलेगा 90 डिग्री, एंगल एंगल और साथ के साथ साइड मिलगी, यहां भी एंगल एंगल साथ के साथ साइड मिलगी, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, सो ट्रायंगल ओएडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC, रीजन क्या जाएगा, बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देखो ये जो प्रूव करनी थी, ये दोनों साइड हमें बराबर प्रूव करनी थी, ये किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ये किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सो OB इक्वल्स टू OA, रीजन क्या जाएगा, बाय CP सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें क्या गिवन है, एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, एल एंड एम लाइंस आर पैरेलल टू
पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय द अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पीक्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल है। सिंगल एरो वाली सिंगल के पैरेलल है, डबल एरो वाली लाइन डबल एरो के पैरेलल है। शो दैट ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी इट मींस आई हैव टू जॉइन दिस एसी लाइन। शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। क्लियर? Now see how to make these triangles congruent. First of all, given, in given you have to write only this, that P is parallel to Q and L line is parallel to M line. L line is parallel to M line and P line is parallel to Q line. To prove, to prove में दोनों triangles को congruent करना है, लिख लेना प्रूफ। नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाते हैं। इन ट्रायंगल पैटर्न बुक में गिवन है, वहीं से उठा लेना बच्चों। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब देखो पहले क्या करना है, मैंने क्या किया, एल और एम लाइन, एल और एम लाइन आपस में पैरेलल है, ये बनाता हूं इधर। देखो एल लाइन ये रही, ये रही M लाइन, दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। यहाँ से ये जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों इक्वल होंगे। तो मान लेता हूँ ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ आ गया पहले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ब्रैकेट आगे कॉमा डाल के रीजन दे दो, बिकॉज AD लाइन या L लाइन पैरेलल टू M, AD लाइन पैरेलल टू BC, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं L लाइन पैरेलल टू M लाइन, चाहे AD कह लो चाहे L लाइन कह लो चाहे BC कह लो चाहे M लाइन कह लो, बात एक ही है। सेकंड चीज में ये दोनों पैरेलल लाइंस लूंगा, अब P एंड Q लाइन पैरेलल टू ईच अदर, वैसे ही AC ट्रांसवर्सल जा रही है, तब इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए। यहां से ये वाला एंगल बनेगा और यहां से ये वाला एंगल बनेगा, ये बन गया एंगल 3, ये बन गया एंगल 4। तो अब यहां पे आ गया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन क्या आएगा सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पर लाइन कौन सी होगी पी पैरेलल टू क्यू, क्योंकि ये वाले एंगल्स जो बने हैं इक्वल, ये पी पैरेलल टू क्यू के कारण बने हैं। ये देखो पी पैरेलल टू क्यू, ये था एंगल 1, ये था एंगल 2, ये था एंगल 3, ये था एंगल 4। ठीक है, दो एंगल्स मिल गए। अब देखो जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है एसी, एसी लाइन इस ट्रायंगल में भी है, एसी लाइन इस ट्रायंगल में भी है, तो मैं लिख दूंगा एसी लाइन इक्वल्स टू एसी लाइन। तो ये क्या है कॉमन, सो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमने यही प्रूव करना था, सो कंप्लीट। रीजन लिख दो बाय, पहले क्या मिला मुझे एंगल, एक ट्रायंगल में देख लिया करो क्या मिल रहा है, दूसरे में वही मिलेगा। इधर क्या मिल रहा है एंगल, उसके बाद क्या मिली साइड, उसके बाद क्या मिला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, इधर भी देखो यही मिलेगा एंगल साइड एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल रूल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल, लाइन एल दिस इज अ लाइन एल,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पूरे एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब एंगल वन और एंगल टू आपस में क्या है, बराबर है। सिंगल लाइन एंगल इक्वल्स टू सिंगल लाइन एंगल, इट मीन एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, तो गिवन क्या हो गया, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, दैट इज गिवन। बी इज एनी पॉइंट ऑन अ लाइन एल, एल के ऊपर कोई भी बी पॉइंट है, सो दैट द बीपी एंड द बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स है हमारे पास, थ्री एंड फोर एंगल हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, शो दैट क्या करना है, टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, एक तो ये करना है। सेकंड चीज हमने क्या प्रूफ करनी है, डेट बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, कि बी क्यू और बी पी का डिस्टेंस आपस में क्या है, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू एंड पी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की आर्म्स क्या है, एंगल ए सारा इसके आर्म्स क्या है, ए पी और ये, तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो आर्म्स ऑफ एंगल ए यही होगी दोनों, तो इनसे डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये बी पी एंड बी क्यू, ये हमने बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ, इन ट्रायंगल देखो ट्रायंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है, पैटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, क्लियर। सबसे पहले हमें एंगल गिवन है 90 90, एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर ईच 90 डिग्री, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू गिवन, एंड बी ए इक्वल्स टू बी ए एंड ए बी इक्वल्स टू ए बी, देखो ए बी लाइन ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ए बी लाइन नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो ये क्या आ जाएगा कॉमन, सो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय प्रॉपर्टी कौन सी, देखिए देखो 90 डिग्री से शुरू करते हैं, 90 देन एंगल 1 देन साइड, साइड ये कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड यहां से भी बना, 90 डिग्री से शुरू करेंगे, ऊपर 90 से शुरू किया था, एंगल एंगल साइड, तो प्रॉपर्टी लगी बाय एंगल एंगल साइड रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सेकंड चीज क्या प्रूव करनी थी हमने, बीपी इक्वल्स टू क्यू बी, अब देखो क्यू बी लाइन इस ट्रायंगल का हिस्सा है और बीपी लाइन इस ट्रायंगल का हिस्सा है, और दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर तो सीधा ही लिख देंगे, देयरफॉर बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, रीजन क्या आ जाएगा बाय सीपीसीटी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एनसीईआरटी खोल लेना बच्चों, मैं एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस देख रहा हूं, ओके। इसके डायग्राम गिवन है हमारे पास, बी सी ए ई सी
डी ए सी, ये हमने डायग्राम बना ली। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू ए ई, जो ए सी लाइन है ये ए ई के बराबर है, गिवन दैट ए सी लाइन इक्वल्स टू ए ई, ए सी लाइन इक्वल्स टू ए ई लाइन एंड ए बी लाइन, एंड ए बी लाइन, ए बी लाइन इक्वल्स टू ए डी लाइन, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ए डी लाइन इक्वल्स टू ए बी लाइन एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल, एंगल वन मान लेते हैं, ये एंगल वन है, एंगल वन इक्वल्स टू ई ए सी, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, एंगल वन और एंगल टू आपस में क्या है, बराबर। ये चीज हमें गिवन है, टू प्रूव में हमने प्रूव करना है बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी, बी सी ये पूरी की पूरी होगी साइड, देखो ये वाली साइड बी सी होगी, डी ई, डी ई ये वाली लाइन होगी। अब देखो बी सी से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, देखा जाए ए बी सी ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो हमने इसमें ये देखना है कि कौन से ट्रायंगल्स उठाएं ताकि हमारे पास BC और DE बराबर हो जाए, तो उस ट्रायंगल में दोनों साइडें होनी चाहिए, तो मैंने उसी से इन्हीं दोनों साइडों से ट्रायंगल बना ली जो प्रूव करनी थी। BC साइड है तो उससे हमने ट्रायंगल बना ली, BC कौन से ट्रायंगल बना रही है, BCA, तो इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल बन रही है, ABC साइड पे लिख लेते हैं ABC, और दूसरी डीई से, डीई से कौन सी बन रही है, फिर ए से बननी है, ए डी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई, ठीक है। इस एंगल को हम तीन मान लेते हैं, एंगल थ्री। तो देखो अब मैंने क्या किया, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूं, यहां पे बना रहा हूं रफ फिगर, ध्यान से देखना, ए बी सी, अगर एबीसी ट्रायंगल की बात करूं तो यहां से एक डी लाइन जा रही है, पूरी नहीं बनाई मैंने, सिर्फ इतनी बनाई है समझाने के लिए, यहां से डी लाइन जा रही है, ये देखो डी लाइन जा रही है, ए डी लाइन, तो यहां पे एंगल वन है, यहां पे एंगल थ्री है, वैसे ही ए ई डी बना रहा हूं, ए डी ई लाइन, ए डी ई, इस ट्रायंगल में ए सी लाइन जा रही है, पूरी नहीं बनाऊंगा, वैसे ही शॉर्टकट बनाऊंगा थोड़ी सी सी। अब देखा जाए इसके एंगल थ्री है, इधर टू है, इधर एंगल थ्री है, इधर एंगल टू है, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, तो बी सी साइड इस ट्रायंगल में आ जाएगी और डी ई साइड इस ट्रायंगल में आ जाएगी, तो दोनों सेम बाय सीपीसीटी बराबर हो जाएंगे। अब देखो करना कैसे है, हमें क्या गिवन है, ए बी साइड किसके बराबर है, ए डी, ए बी किस में, इसमें डबल लाइन वाली, और दूसरी डबल लाइन ये रही, देखो दूसरी में गिवन है, ए बी साइड और ए डी साइड बराबर है, तो एक ए बी ऊपर वाली में, एक ए डी नीचे है, और क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, एक ए सी साइड इसमें है और एक ए ई साइड इसमें है। अब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, मैंने दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग कर ली, देखो तो दो साइडें तो मिल गई, रह क्या गया, अगर दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल बराबर हो जाए तो इसका तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग जाएगी, और हमें गिवन क्या है, एंगल वन और टू बराबर गिवन है, बचा क्या, थ्री, अगर दोनों में तीन तीन एंगल ऐड हो जाए तो इसका मतलब दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स रिजल्ट इज इक्वल, अगर दो इक्वल चीजों में सेम चीज ऐड कर दी जाए तो भी रिजल्ट इक्वल ही होगा, अगर दो सेम चीजों में इक्वल चीज ऐड कर दी जाए तब भी रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। जैसे मान लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक तगड़ी है, तकड़ी है, इधर पड़ा है एक किलो कॉटन, इधर है एक किलो कॉटन, इधर है एक किलो राइस, तो ऑब्वियस है दोनों का वेट बराबर ही होगा, वन के जी है क्वांटिटी, ऑब्वियस है कॉटन क्वांटिटी भी दोनों की बराबर होगी, देखने में हो सकता है कि राइस की वो जो क्वांटिटी कम लगेगी, देखने में राइस कम लगेंगे और कॉटन बहुत ज्यादा लगेगी देखने में, पर वेट दोनों का बराबर है 1 kg 1 kg, ठीक
ठीक है। अब मैंने क्या किया, इधर भी मैंने हाफ के जी ऑयल ऐड कर दिया, इधर भी मैंने क्या कर दिया हाफ के जी ऑयल ऐड कर दिया। पर बच्चों अब देखो मैंने क्या किया, पहले इक्वल क्वेश्चन क्या था, इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स, इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज इक्वल। पहले वो इक्वल थे तो मैंने उसमें इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दी, हाफ ऑयल इधर भी ऐड कर दिया, हाफ ऑयल इधर भी ऐड कर दिया, हाफ के जी, हाफ के जी ऑयल इधर भी ऐड कर दिया, हाफ के जी इधर भी। इक्वल क्वांटिटी आर एडिड टू इक्वल द रिजल्ट इज इक्वल, इधर भी वन एंड हाफ के जी बन जाएगा क्योंकि वन में हाफ ऐड किया, इधर भी वन एंड हाफ के जी बन जाएगा। तो यहां से रिजल्ट होता है कि इक्वल क्वांटिटी अगर किसी भी इक्वल चीज में ऐड की जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो यही चीज यहां पे लगाएंगे हम, हमें क्या गिवन है, एंगल वन और एंगल टू आपस में क्या है, बराबर है, ये गिवन है। तो मैंने क्या किया इसमें एंगल थ्री ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब एंगल थ्री तो इक्वल ही है एक दूसरे के, एंगल थ्री तो एंगल थ्री है, एड एंगल थ्री ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर मैंने एंगल थ्री ऐड कर दिया तो हो गया एंगल वन प्लस फोर, वन प्लस थ्री इक्वल्स टू टू प्लस थ्री, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल वन प्लस थ्री कितना बना, वन प्लस थ्री बी ए सी, इंग्लिश में लिख लेते हैं बी ए सी इक्वल्स टू, थ्री और टू कितना बना सी ई ई ए डी, डी ए ई, ये एंगल बन गया, दोनों इक्वल हो गए, इसे इक्वेशन नंबर वन दे लो। अब उठा लेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी, सॉरी यहां सी आना था, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब देखो इसमें क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी साइड, और क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू ए ई, एंड एंगल ए कौन सा था, बी ए सी, देखो वन प्लस थ्री इक्वल्स टू टू प्लस थ्री, दोनों बराबर हो गए, मतलब कि ये सारे का सारा एंगल और ये सारे का सारा एंगल आपस में बराबर हो गया। तो ये कौन सा बना, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, ये कौन सा बना, डी ए, एंगल डी ए ई, ये क्या है दोनों चीजें गिवन। ये क्या है, या तो यहां पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं हम प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव का मतलब है हम ऊपर प्रूव करके आ चुके हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ज्यादा अच्छा मैं प्रेफर इसी करता हूं कि इक्वेशन नंबर दे दो वहां पे, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन कि ये चीज हमने इक्वेशन वन से उठाई है, जो चीज ऊपर प्रूव की हुई है, बल्कि दोनों में से एक ही चीज लिखनी है। तो अब देखो प्रॉपर्टी क्या लगे, दो साइड्स के बीच में एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल, तो क्या आ गया, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, रीजन क्या आ जाएगा, बाय साइड एंगल साइड रूट, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। अब हमने क्या प्रूव करना था, बी सी इक्वल्स टू डी ई, तो बी सी देखो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, डी ई किस ट्रायंगल का हिस्सा है, इस ट्रायंगल का हिस्सा है, तो दोनों ट्रायंगल एंगल साइड्स आपस में बराबर होगी, तो क्या लिख देंगे, सो बी सी इक्वल्स टू डी ई बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। एक काम करना बच्चों, ये जो रफ पार्ट है इसे अलग निकाल देता हूं, ये मत करना बीच में, ये समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ पे रीजन जरूर लिख देना बच्चों, सॉरी यहाँ पे रीजन जरूर लिख देना, इसके साथ रीजन लिखना है, क्या रीजन लिखना है, इक्वल्स यही वाला, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज इक्वल, किसी इक्वल चीज में अगर इक्वल चीज को ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट जो होगा वो भी इक्वल रहेगा, ठीक है। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों।